औद्योगिक क्षेत्र BBN में इन दिनों ठगी के कई मामले सामने देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कुछ लोग या तो ATM में पैसे निकालने आ रहे हैं, लोगों के साथ ठगी कर पैसा लेकर भाग जाते हैं, या फिर भोले भाले लोगों को महंगा फोन सस्ते देने के नाम पर ठग रहे हैं। ऐसा ही मामला बद्दी साई रोड पर देखने को मिला, जब एक व्यक्ति ने महंगा ब्रांड का फोन सस्ते दाम पर बेच दिया, परंतु जब खरीदार ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ शीशा निकला। खरीदार ने बताया कि बेचने के समय मुझे ब्रांड वाला मोबाइल दिखाया था, परंतु बाद में पैकेट खोलने पर सिर्फ शीशे के टुकड़े निकले, लेकिन वहीं किसी व्यक्ति ने मोबाइल बेचने वाले को पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जो मोबाइल बेचने के नाम पर ठगी करता है। उसने पीछा करके उस व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और मोबाइल ठग को गिरफ्तार कर लिया। लोगों का कहना है कि इन व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को और चौकसी बरतनी चाहिए, ताकि इस तरह के मामलों पर लगाम लगाई जा सके। मैं कालका से आया भाई, कालका से आया था सुबह इधर, मैं अपने उस्ताद के पास काम करने के लिए, लोग मेरे को मिले, इन्होंने मेरे को फोन दिखाया, रियलमी का फोन था, देख लिया सही था। उसके बाद देने के बाद इन्होंने मेरे को कवर पकड़ाया ऑटोमोबाइल और निकल लिए वहाँ से। तुरंत वहाँ देखा, जब मैंने देखा उसके बाद शीशा निकला उसमें। बैठा सर, ये खड़ा हो जाए, ये ना लोगों को ठगते हुए जैसे फोन दिखाया इन्होंने, कोई दूसरा और दे दिया दूसरा, तो हमारा कोई लोकल बंदा आपस में था, उसका उसने लूटा उसको कल, अब उसने उसको पहचान लिया, इस चक्कर में आज पकड़ा गया। अरे ये पहले भी दो चार बार, ये देखो ये है आईफोन 14 न्यू लॉन्चिंग हुई है, ये न्यू लॉन्चिंग, ये लोग ठग रहे हैं, आज पकड़े गए हैं। बहुत दिनों से कम रह गया, 10-15 बंदे हमारे सामने लूट लिए होंगे, है पुलिस को भी फोन किया है, आ रहे होंगे लड़के मिली है, अभी आए हैं, जैसे भी हालात होंगे अभी कार्रवाई करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।